वैक्सीन की विजिबिलिटी ओपन मार्केट में तभी आएगी जब दो चीज़ें होंगी एक तो ये हुआ कि हमारा जो हमारे प्राइम टारगेट्स हैं लोगों जिनको वैक्सीनेट करना है वो कवर हो जाए और दूसरा ऐसा हो कि देर इज़ इक्वलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जितना डिमांड है उतना सप्लाई भी होना चाहिए अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा अगर ऐसे होगा कि आपके पास सप्लाई इतना ज़्यादा है कि आप डिमांड जो है उससे ज़्यादा है तो फिर वैक्सीन जो है मार्केट में आ सकती है होपफुली ये सिचुएशन जो है एंड ऑफ दिस ईयर तक हो जाए या उससे पहले भी हो सकती है देन वी दे विल बी लाइटलीहुड की जो वैक्सीन है वो मार्केट में आ सकती है हमने अब तक 87 लाख 40,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर कर दी हैं इनमें से पचासी लाख सत्तर हजार पहली डोज हैं एक लाख सत्तर हज़ार से ज़्यादा दूसरी डोज हैं तो ये नंबर अब लगातार बढ़ता जा रहा है देश में जो एक्टिव केसेस हैं कोविड के वो एक लाख चालीस हज़ार से भी कम हो गए हैं और घट रहे हैं एवरेज डेली डेथ पिछले एक सप्ताह में जो रिपोर्ट हुई वो भी घटी हैं 93 और क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट देश में लगातार घट रहा है 5.27 है वैक्सीनेशन में 87 लाख 40,595 पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड सो फार दीज आर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स अब इस सतासी लाख ,00 में से कितने हेल्थ केयर वर्कर इनोकुलेट हुए वो बासठ लाख बयासी है इनमें से कितनों को पहली डोज मिली है वो इकसठ लाख है यानी हेल्थ केयर वर्कर्स का जो कुल डाटा बेस है उसके 60 प्रतिशत लोगों को पहली डोज पहले महीने में दी जा चुकी है तो ये कोई बहुत असंतोषप्रद आंकड़े नहीं हैं मेरे आ, कुछ मीडिया के मित्रों से जो विचार विमर्श हो रहे थे उसमें कहीं से ये बात आई थी कि ये गति और बढ़ सकती थी तो वहां हम सहमत हैं कोई भी किसी भी चीज में अधिक प्रगति अधिक गति हो सकती है अगर आप किसी हेल्थ बीट के या किसी अन्य बीट के रिपोर्टर हैं और हर अल्टरनेट डे पर एक स्टोरी फाइल करते हैं तो आप हर दिन भी स्टोरी फाइल कर सकते हैं सो देर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट दैट वी एक्सेप्ट